प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल जी के रैली में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक रविंद्र जायसवाल के लिए सांसद मनोज तिवारी उनके साथ चुनाव प्रचार की रैली कर रहे हैं। रविंद्र जायसवाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभा कर रहे हैं और सांसद मनोज तिवारी रोड शो कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर उत्तरी से सपा प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू कार्यकर्ताओं की फौज के साथ रविंद्र जायसवाल को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक रविंद्र जायसवाल और सांसद मनोज तिवारी को देखने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार ने यहाँ के अपराधियों पर बुलडोजर चलवाया, तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो बुलडोजर का सिंबल भी लेकर चल रहे हैं। बता रहे हैं कि इको मुख्तार कमारी जो समाजवादी पार्टी का जो वर्तमान में प्रत्याशी है उसके यहाँ जाएगा ये 10 तारीख के बाद, जो कि ब्रॉडवे होटल वहाँ पर उसने अतिक्रमण किया हुआ है और उसको निश्चित तौर पर 10 तारीख का चेतावनी है। ये बुलडोजर जाएगा मुख्तार कमारी के लिए। रुपया देगी अच्छे से गरीब की बेटी की शादी होगी। अब हर घर में हर प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम रविंद्र जायसवाल की योगी सरकार करेगी। जो 60 साल से ऊपर हो गए हमार माता जी लोग ओकरा के अब उत्तर प्रदेश के बस में कोनो एक पैसा भाड़ा नहीं के लगे। अब योगी सरकार बनी तो किसान के सिंचाई खातिर फ्री में बिजली मिली। तो हमारा जो नौजवान भाई कुल कहते सर के भैया लड़की के तो स्कूटी मिली लड़कवन के काम मिली, तो आप भी याद कर लो अब हमारे यूपी के लड़कों को स्मार्टफोन देकर के उनको सम्मानित करेगी योगी सरकार। आज जब चुनाव का अंतिम क्षण चल रहा है, अभी मुझे यहाँ से एक सभा के लिए शहर दक्षिणी में भी जाना है। मुझे पूरा विश्वास है अगर पिछला बार रविंद्र जायसवाल जी 46,000 वोट से जीते थे तो इस साल मुझे लगता है कि ये अंतर 86,000 का हो जाएगा। काशी की जनता से यही है प्रार्थना, एक भी वोट घर में ना रुके, बूथ पे जाए, कमल का बटन दबाए और जो लोगों ने उत्तर प्रदेश के भाग्य को सजाया ऐसे योगी मोदी को, रविंद्र जायसवाल को और बनारस की 8 सीटों को,
जिता करके यूपी के इस स्पीड को और बढ़ाइए, बीजेपी को जिताइए, मनोज को आशीर्वाद दीजिए, मोदी को आशीर्वाद दीजिए, यही प्रार्थना। डॉक्टर अशोक कुमार राय, प्रबंध निदेशक लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी। अंतिम दौर में चल रहा है, रैली का असर पड़ता है, लोग देखते हैं प्रत्याशी कौन है और कौन प्रचार कर रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और इस बार रविंद्र भैया की जीत है, जीत है, जीत है। से और जानते हैं कि आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप शहर उत्तरी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, शहर जनता की अपील हम लोग करना चाहते हैं कि समाजवादी की पार्टी को सरकार बनाए और समाजवादी पार्टी को वोट दे और बीजेपी का वापसी करें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, आज चुनाव प्रचार अंतिम दिन है, इसी के साथ सभी दल पूरी जोश के साथ तैयारी में लगे हैं कि कहीं उनसे कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि यह ऐसा मौका है जो 5 साल बाद ही आएगा। फिलहाल ये तो 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होगा कि किसके सिर बंधेगा जीत का सहारा और किसकी बनेगी सरकार। क्राउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।